नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी से टाटा के मौजूदा प्रबंधन को बड़ा झटका मिला है। एनसीएलएटी से टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने को अवैध ठहराते हुए उसी पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। बता दें कि 29 दिसंबर 2012 को टाटा का चेयरमैन बनाया गया था, फिर साल 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया। एनसीएलएटी ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। साथ ही उसने एन चंद्रशेखरन के इस पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी बताया। हालांकि न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश 4 सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा सन्स को अपील करने के लिए ये समय दिया गया है। एनसीएलएटी के 2 सदस्य बेंच ने ये फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी में ये याचिका मिस्त्री और 2 इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से दाखिल की गई। जुलाई में अपीलेट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के 6ठे चेयरमैन थे। रतन टाटा के बाद उन्होंने 2012 में चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि टाटा सन्स के निदेशक मंडल ने 24 अक्टूबर 2016 को एक हैरान करने वाला कदम उठाते हुए मिस्त्री को चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। समूह के 150 साल के इतिहास में मिस्त्री चेयरमैन बनने वाले टाटा परिवार से बाहर के दूसरे व्यक्ति थे। उनके पहले 1934-38 के दौरान टाटा समूह से बाहर के नवरोजी सकलत वाला समूह के चेयरमैन थे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि साइरस मिस्त्री कौन है। साइरस मिस्त्री निर्माण क्षेत्र के दिग्गज पल्लोंजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं। उनके परिवार के पास टाटा समूह की सर्वाधिक 18% से अधिक हिस्सेदारी है। लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में एमएससी डिग्री धारक मिस्त्री 144 वर्षीय टाटा समूह के 6ठे अध्यक्ष थे और बिना टाटा उपनाम वाले दूसरे अध्यक्ष थे। साइरस मिस्त्री को जानने वालों का कहना है कि वो सादगी पसंद और मामले की तह तक जाने वाले व्यक्ति हैं। मिस्त्री के चुनाव पर रतन टाटा ने उनकी तेज पारखी नजर और नम्रता की सराहना की थी। मिस्त्री मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। उनके पास लंदन के इंपीरियल कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से प्रबंधन में परास्नातक की डिग्री है। उनके पास निर्माण से लेकर मनोरंजन, बिजली तथा वित्तीय कारोबार का 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्हें जानने वालों ने बताया कि वो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। वो मुंबई के मालाबार हिल्स क्षेत्र में समुद्र किनारे एक आलिशान भवन में अपने पिता तथा बड़े भाई के साथ रहते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध वकील इकबाल चागला की पुत्री रोहिका के साथ विवाह किया। साइरस मिस्त्री 1991 में शपूरजी पलोंजी एंड कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। 3 सालों बाद उन्हें समूह का प्रबंध निदेशक बना दिया गया था। उनके नेतृत्व में शपूरजी पलोंजी का निर्माण कारोबार $2 करोड़ से बढ़कर $1.5 अरब हो गया था। टाटा सन्स में निदेशक के अलावा मिस्त्री टाटा एलेक्सी और टाटा पावर में भी निदेशक रहे। साइरस मिस्त्री जब टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे उस समय कंपनी का कारोबार $100 अरब के आसपास था। तब मिस्त्री से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वे वर्ष 2022 तक इस कारोबार को $500 अरब तक पहुंचा देंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की रफ्तार सुस्त हुई और ग्रुप उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा जैसी अपेक्षाएं उनसे की गई थी। अब आपको एक नजर में टाटा मिस्त्री विवाद भी बता देते हैं। टाटा मिस्त्री विवाद 3 साल में कब क्या हुआ? 24 अक्टूबर 2016 साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया, रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बनाए गए। 25 अक्टूबर 2016 मिस्त्री ने टाटा सन्स बोर्ड को चिट्ठी लिखी, टाटा ट्रस्ट के प्रबंधन पर दखल का आरोप लगाया। 19 दिसंबर 2016 मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया। 20 दिसंबर 2016 साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में याचिका दायर की, टाटा सन्स पर गलत प्रबंधन का आरोप लगाया। 12 जनवरी 2017 एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए। 6 फरवरी 2017 मिस्त्री टाटा सन्स बोर्ड के डायरेक्टर पद से हटाए गए। 21 सितंबर 2017 टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने का प्रस्ताव बोर्ड ने मंजूर किया। 9 जुलाई 2018 एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज की। 3 अगस्त 2018 मिस्त्री ने एनसीएलटी के फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दी। 24 अगस्त 2018 एनसीएलएटी ने टाटा सन्स से कहा मिस्त्री पर शेयर बेचने का दबाव नहीं बनाए। 18 दिसंबर 2019 एनसीएलएटी ने मिस्त्री की बहाली का आदेश दिया। टाटा सन्स को अपील के लिए 4 हफ्ते का वक्त।